हेलो दोस्तों, कैसे हो? संजय कुमार स्वामी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि साथ में मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है शुभ जर्नी, उसके ऊपर मैं कंटिन्यू वीडियो बना रहा हूँ, तो यात्रा कर रहा हूँ। तो अभी संजय कुमार स्वामी यूट्यूब चैनल के ऊपर कंटिन्यू वीडियोस नहीं हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो इसलिए अभी कंप्यूटर और मेरे साथ में वो फुल सोर्स नहीं है, तो मैं मोबाइल के अंदर किस तरह से इस वीडियो के अंदर बताऊंगा आपको फोटो एडिट कर सकते हैं फोटोशॉप की तरह, एकदम फोटोशॉप की तरह, पूरे सारे ऑप्शन लेयर्स भी मैनेज करना। और इस वीडियो के अंदर मेनली मैं बताऊंगा आप किस तरह से फोटो एडिट करने के साथ में थंबनेल बना सकते हैं, थंबनेल टेक्स्ट दे दिया, डिज़ाइन कर दिया, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और अभी जो मैं हूँ वो अरावली पर्वतमाला के पहाड़ों के बीच में बैठा हूँ। मेरे एक साइड में रणकपुर है और दूसरी साइड में सायरा नाम से एक गांव है, और तीसरी साइड में मेरे यहाँ से कुंभलगढ़ किला है। तो कंटिन्यू मैं कुंभलगढ़ जाऊँगा उसके बाद में। और इस वीडियो के अंदर चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे बनाते हैं, फोटो एडिट करते हैं फोटोशॉप की तरह, बहुत ही अच्छे तरीके से। कंटिन्यू मैं जो अपने थंबनेल बना रहा हूँ मोबाइल से, वो इसी तरह से बना रहा हूँ जिस तरह से अभी मैं आपको दिखाऊँगा, क्योंकि फटाफट से झट 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 इस तरह से थंबनेल बनाने का और वीडियो में मतलब वर्क करना पड़ता है। और कई सारी मोबाइल एप्लीकेशन मैंने इससे पहले देखी थी, लेकिन उसके अंदर कोई काम की मुझे मिली नहीं। लास्ट में ये मोबाइल एप्लीकेशन मिली, और ये भी मुझे मिली तो थी लेकिन चलाने नहीं आती थी पहले, तो मैंने थोड़ा समझा इसको, सीखा कई दिन, और अब मैं आपको बता सकता हूँ कि किस तरह से आप इसे यूज़ में ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। चलिए पहले आप सीख लें कैसे इस एप्लीकेशन को यूज़ में लेकर के फ़ोटो एडिट करेंगे, बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मोबाइल के अंदर एक एप्लीकेशन है फोटो एडिटर, जिसका नाम है येरा। सभी को ये यूज़ में लेना नहीं आता है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये डाउनलोड करने के लिए आप जाएंगे प्ले स्टोर के अंदर और यहाँ पर फोटो एडिटर सर्च करेंगे तो येरा फोटो एडिटर एप्लीकेशन, इसको आप इंस्टॉल करके ओपन कर लें। तो सबसे पहले हमने ओपन कर लिया यहाँ पर, और इसके बाद में ये नया जो अपडेट मैंने किया है, तो इसके अंदर कुछ शेप इम्प्रूवमेंट्स, पीडीएफ क्रैश बग्स कुछ करने के बाद में मैंने अपडेट किया था मैंने अभी भी। उसके बाद में यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस हैं, तो वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा। आपको बता दूं कि सभी को समझ में ही नहीं आता, इसलिए लोग इंस्टॉल करके अनइंस्टॉल भी कर देते हैं। तो ये बहुत ही आसान भी है और थोड़ा सा स्टार्टिंग में मुश्किल भी। इसमें स्टार्टिंग ये तीन ऑप्शन जो ऊपर आपको फ़ोटो कैमरा और फाइल ब्राउजर ये नज़र आ रहे हैं, ये सिर्फ जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके मोबाइल के अंदर फ़ोटो वो लेने के लिए, कैमरा से फ़ोटो खींचने के लिए। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर बताऊँ कि न्यू के ऊपर आप जाएंगे, न्यू के ऊपर आप जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पर आप अपनी इच्छा से फ़ोटो की साइज़ दे सकते हैं। नीचे के साइज में इंच है, mm, cm, मीटर के अंदर कैसे दे सकते हैं। मैं यहाँ पर 1280x720 पिक्सल ये दे देता हूँ, और इसका बैकग्राउंड कलर अगर आप यहाँ से सिलेक्ट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, कोई भी कलर जो भी आप लेना चाहते हैं। मैं वाइट ले लेता हूँ, फिर ओके कर देंगे। तो ये एक यहाँ पर आपका फोटोशॉप की तरह डॉक्यूमेंट आ गया है। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, जैसे कि हमें थंबनेल बनाना है यूट्यूब के लिए, तो इसके अंदर हम जाने के बाद में जाएंगे टेक्स्ट या इमेज, इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पर प्लस का आइकन है, इसके ऊपर जाते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट और ये कई सारे ऑप्शन आ गए, तो स्टार्टिंग में एक टेक्स्ट एक फ़ोटो का है दूसरा ऑप्शन, तो फोटो के ऊपर जाएंगे, फिर इसके अंदर फिर फोटो के ऊपर जाएंगे, और यहाँ से मोबाइल के अंदर से यहाँ पर रीसेंट फ़ोटो सिलेक्ट करेंगे। तो रीसेंट कोई भी फ़ोटो सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि मैं ये कर लेता हूँ सिलेक्ट, और इसके अंदर ये फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर कई सारे फ़ोटो के लिए ऑप्शन है, जैसे कलर करेक्शन वगैरह करना है, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट अगर आपको कुछ बढ़ाना है इस तरह से करना है, सिचुएशन बढ़ाना है तो इस तरह से आप बढ़ा सकते हैं, ये सब काम कर सकते हैं, और फिर अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे अप्लाई करेंगे आपकी फ़ोटो यहाँ पर आ जाएगी। और उसके बाद में सिंपली मैं आपको बताऊँ थंबनेल के लिए, थोड़ा धीरे धीरे मैं आपको एडवांस बताता जाऊँगा, आप पूरा वीडियो देखें। तो अभी यहाँ पर एक फ़ोटो लेके आ गए, और इसके ऊपर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे टेक्स्ट। एक सेकंड, मैंने यहाँ पर इस तरह से बस लिख दिया। अब ये सीधा टेक्स्ट जो लिखा है ये अजीब लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो मेरे आप पहले के वीडियोस भी देख सकते हैं संजय कुमार स्वामी यूट्यूब चैनल पर, मैंने ऑलरेडी डाले हैं बना करके कि कलर कॉम्बिनेशन के बारे में, कौन सा कलर कहाँ पर सही तरीके से सेट होगा। तो यहाँ पर मैं वही जो तरीका था मैंने आपको बताया था वही यूज़ ले रहा हूँ। प्लस से तो यहाँ पर फोटो टेक्स्ट ये लिख के आ सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है सिलेक्ट करेंगे किसी भी लेयर को इस तरह से, यहाँ पर ये आइकन है जिससे आप एडिट कर सकते हैं पेंसिल और इस तरह से ये करके आइकन दो नंबर वाला। इसके अंदर जाने के बाद में यहाँ पर ऊपर की साइड में जब आपने टेक्स्ट लिखा तो नीचे की साइड में यहाँ पर तीन प्रकार के कलर हैं। पहला है टेक्स्ट का कलर, आप चाहें तो टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर येलो कर देता हूँ येलो। दूसरे के अंदर आप चाहें तो दूसरा कोई कलर सेलेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर येलो और रेड दो का मिक्स हो जाएगा ना। तो
दो कलर आ गए, लेकिन एक ही चाहिए आपको, येलो ही चाहिए दोनों में सेम कलर, तो बराबर का जो आइकन है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे आप। या ग्रेडिएंट आपको अलग अलग तरह के बनाने थे, लास्ट में जो ग्रेडिएंट वाला ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करके आप इनमें से ग्रेडिएंट सेलेक्ट कर लेते हैं आपको किस तरह का ग्रेडिएंट बनाना है। दो नंबर पर यहाँ पर स्ट्रोक, अगर आप टेक्स्ट के स्ट्रोक देना चाहते हैं तो मान लीजिए आपको रेड कलर की स्ट्रोक देनी है, अब यहाँ पर रेड और नेक्स्ट वाला आप चाहें तो दूसरा कलर भी ले सकते हैं, जैसे कि ये कलर ले लिया, और आप चाहें तो बराबर करते हैं यहाँ पर सेम कलर भी हो जाएगा, लेकिन स्ट्रोक दिखाई नहीं दे रही है, उसके लिए टेक्स्ट प्रॉपर्टीज इफेक्ट्स ईटीसी इस तरह से कई सारे ऊपर टैब है, प्रॉपर्टीज़ में जाकर के थोड़ी सी आउटलाइन इसकी आप यहाँ पर बढ़ा देंगे, आउटलाइन जैसे बढ़ाई और उसके बाद वापस टेक्स्ट के अंदर आ जाएंगे और हमें कुछ नहीं करना, अप्लाई करते हैं, जैसे अप्लाई करेंगे तो ये देखिए इसके टेक्स्ट के चारों ओर आउटलाइन आएगी, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। वापस एडिट के अंदर जाएंगे और मैं यहाँ पर आउटलाइन जीरो कर देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर स्ट्रोक वाला नहीं लेना है, यहाँ पर मुझे लेना है ये स्ट्रोक वाला लेना ही नहीं है, तो लेना ही नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, आउटलाइन जीरो कर दी तो ये कलर कोई काम का नहीं है। उसके बाद में नीचे बैकग्राउंड कलर है, ये गजब है, इसके ऊपर जाएंगे और मुझे यहाँ से रेड कलर लेना है, जैसे मैंने रेड कलर लिया अब देखिए आ नहीं रहे कारण ओपासिटी यहाँ पर फुल करनी पड़ेगी कलर की, फुल कर दिया 100% ओके कर दिया, बराबर करेंगे तो ये वाले कलर की जो प्रॉपर्टी की सेटिंग थी सेकंड वाले में ये आ जाएगी और पूरा एक जैसा। अगर आप यहाँ पर दूसरा कलर लेंगे तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ये क्या हो जाएगा, इस तरह से ग्रेडिएंट बन जाएगा, और यहाँ से आप इस तरह के अलग अलग प्रकार के ग्रेडिएंट सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस तरह का ग्रेडिएंट चाहिए, तो ये देखिए कुछ इस तरह का ग्रेडिएंट बन जाएगा, लेकिन हमें ये नहीं लेना है, बराबर कर दूंगा तो ये एक सिंगल कलर हो जाएगा, फिर हम अप्लाई करेंगे, जैसे अप्लाई करेंगे तो टेक्स्ट के बैकग्राउंड में, और ये इस तरह का मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ये क्या है डिफरेंट कलर देने के बाद में बहुत अच्छा टेक्स्ट सेट हो जाता है, तो गांव की लाइफ ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इसके अंदर दूसरे कई सारे फीचर्स हैं वो मैं आपको बताऊं कि प्रॉपर्टीज़ के अंदर आप जाएंगे तो ओपासिटी, पूरे टेक्स्ट की ओपासिटी जो आप सेट कर रहे हैं उसकी ओपासिटी की बात कर रहे हैं, लाइन स्पेसिंग अक्षरों के बीच में लाइन छोटा बड़ा इस तरह से, पैडिंग आप लेफ्ट राइट ऊपर नीचे इस तरह से किस एक्स और वाई के अंदर कितनी पैडिंग छोड़ना चाहते हैं वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद में कुछ इफेक्ट्स है, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर ब्लर करना चाहते हैं टेक्स्ट को, तो ये लीजिए भाई टेक्स्ट ब्लर हो गया, या फिर आप आउटलाइन बनाना चाहते हैं कोई इस तरह से, या बैकग्राउंड जो है आउटलाइन को या बैकग्राउंड को तीनों को ब्लर करने का है, जो आउटलाइन ऑलरेडी बनी हुई है उसी को ब्लर करने के लिए अभी तो है ही नहीं, और ये इस तरह से ब्लर का ऑप्शन हो गया। उसके बाद में यहाँ पर ग्रेडिएंट है, तो ग्रेडिएंट के अंदर टेक्स्ट का और इसका ग्रेडिएंट अभी है नहीं, उसको एडजस्ट करने के लिए आप कर सकते थे इधर लेफ्ट राइट वगैरह और घुमा सकते थे डिग्री के अंदर। शेडो ये अगर आप शेडो देना चाहते हैं तो ये शेडो दे सकते हैं अक्षरों की, तो ये देखिए और ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पर। शेडो का एंगल आप किस तरह से देना चाहते हैं, ब्लर शेडो करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, या एकदम कड़क दिखाना चाहते हैं, और शेडो का कलर ये नीचे यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इस तरह से कई सारे इसके अंदर ऑप्शन है। उसके बाद इसी तरह से इनर शेडो ब्लेंड मोड कौन सा करना चाहते हैं आप यहाँ पर वो कर सकते हैं, जैसे कि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से वाप वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि इस तरह से करना है, मतलब टेक्स्ट को मान लीजिए आप घुमा करके दिखाना चाहते हैं, तो ये ब्लेंड मोड की वजह से इस तरह से आ गया है। और इसके अंदर टेक्स्ट देखिए घूम करके है, वापस हटाने के लिए आप यहीं जाएंगे इफेक्ट के अंदर, और अगर इसके अंदर ब्लेंड मोड मल्टीप्लाई को हटा देंगे एक यहाँ से क्लोज करने से ऑटोमेटिक नॉर्मल आ जाएगा, तो फिर आप देखेंगे ये यहाँ पर वाप जो ब्लेंड मोड हमने किया था वो वाला आ गया, तो देखिए कुछ इस तरह से अच्छा लग रहा है। तो ये इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है, और वाप को ऑफ कर देते हैं, प्रोस्पेक्टिव भी आप बना सकते हैं कि इसको इस साइड में करके इस साइड में करके ऐसे ऐसे करना है, और बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं। तो ये हो गया टेक्स्ट, इस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हैं यहाँ पर जहाँ जहाँ पर आपको लिखना है पूरी तरह से अच्छी तरह से, हिंदी में इंग्लिश में आप लिख सकते हैं, और फॉन्ट वगैरह सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर इसमें फॉन्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर प्लस का आइकन जैसे जैसे दबाएंगे माइनस माइनस प्लस प्लस तो हो जाएगा। अब टेक्स्ट को लेफ्ट में रखना है, सेंटर में रखना है, राइट में रखना है वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, टॉप में बॉटम में मिडल में इस तरह से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बेस लाइन के ऊपर रखना है मिडल ये बॉटम तो मिडल के अंदर रख देते हैं मान लीजिए, तो ये इस तरह से हो गया। तो यहाँ से बैक जा सकते हैं, ये बैक अंडू रीडू का ऑप्शन है, तो ये काम आप कर सकते हैं। उसके बाद में और भी टेक्स्ट इस तरह से ऐड करना चाहें तो आप दूसरे टेक्स्ट और भी ऐड कर सकते हैं, तो मैं लिख देता हूँ ये कर दिए, यहाँ पर विलेज लिख दिया, एडिट करेंगे वापस और इफेक्ट के बाद ईटीसी के अंदर यहाँ पर जाएंगे तो इसका एंगल वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, और टेक्स्ट का कुछ करना चाहें तो मान लीजिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ऐसे इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत अभी तक मुझे पड़ी नहीं। ये देखिए इसका एंगल, तो ये एंगल वहाँ से करने की ज़रूरत नहीं, आप इस तरह से घुमा सकते हैं, इसके साइड में एक ये आइकन है उससे डिलीट करने के लिए यहाँ से डिलीट कर सकते हो। अब देखिए और बताता हूँ प्रॉपर्टीज़ गजब गजब, यहाँ पर आप किसी की को भी फोटो को या इस टेक्स्ट को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ आएंगे, ये तीन लाइनें यहाँ पर दी हुई है,
ये तीन लाइनें देखिए यहाँ पर, और इसके अंदर खूब सारी प्रॉपर्टीज है। अब इन प्रॉपर्टी से मान लीजिए आप सिर्फ ओपासिटी कम करना चाहते हैं तो ये ओपासिटी कम हो गई थी, सिंपल सी प्रॉपर्टी मैंने आपको यहाँ पर बता दी। डुप्लीकेट टेक्स्ट को बनाना चाहते हैं तो ये डुप्लीकेट बना दिया ये, और उसके बाद डुप्लीकेट वाले को अगर आप यहाँ से एडिट करके और चेंज करना चाहते हैं कलर वगैरह, तो इस तरह से आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में इसको सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से एंगल, कलर, फॉन्ट, लाइन स्पेसिंग, आउटलाइन, ये वॉप वगैरह, इनर शेडो, आउट शेडो कर सकते हैं, फ्लिप उल्टा सीधा कर सकते हैं। फोटो होती है तो उनको करने की जरूरत पड़ती है, बीच में ऐड आ गया कोई बात नहीं, इसको बैक कर देते हैं। और यहाँ पर एक ऑप्शन और है ब्लेंड मोड, ये भी है रेशियो साइज, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको फोटो वाले टाइम बताऊंगा। फोटो के अंदर भी इसी तरह के यही ऑप्शन है, और इसके अंदर लॉक रेशियो, अब रेशियो को आप लॉक कर सकते हैं, अदरवाइज अभी ये रेशियो लॉक हो गया, ठीक है, ये छोटा बड़ा करेंगे तो सेम रेशियो के अंदर रहेगा, और लॉक नहीं करेंगे, अनलॉक कर दिया तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, तो वो आपकी इच्छा है। टेक्स्ट के अंदर तो थोड़ा बहुत 19:20 आप कर देंगे तो चल जाएगा, लेकिन फोटो के अंदर थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन कई बार फोटो के अंदर भी आपको करने की जरूरत पड़ती रहती है। अब हम चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट है, इस गाँव की लाइफ, एक टेक्स्ट को उठा करके मैं यहाँ कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कुछ और फोटो भी ऐड करूँ, ठीक है, मान लीजिए ये मैंने यहाँ पर लगा दिया, और फोटो के अंदर जाएंगे, दूसरी फोटो लेके आ रहे हैं हम, यहाँ से फोटो मान लीजिए दूसरे लेके आएंगे, कई सारी फ़ोटोज़ है, मान लीजिए ये फ़ोटो मुझे थोड़ी सी लगानी है, पहले क्रॉप कर लेता हूँ, स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, और मोबाइल का रेशियो ज़्यादा होने की वजह से ये साइड में ब्लैक आ गया था। अब ये फ़ोटो है, अब एडिट के अंदर जाकर के मैं क्या करूँगा, इस फोटो के अंदर ऑप्शन है यहाँ पर ए, ये ए दिया हुआ है, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, फिर ए एक बार और क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर दो बार क्लिक करने के बाद में ये इस तरह से मैंने थोड़ा सा ब्रश है घुमाया और अप्लाई कर दिया, तो देखिए आप इतने से पार्ट के अंदर कट होकर के फ़ोटो आ गई। अब दोबारा चलिए इसके अंदर, मैं बताता हूँ आपको क्या है, इसके अंदर ऑप्शन है कई सारे कि आप इस शेप के अंदर रखना चाहते हैं, बस इतना सा रखना चाहते हैं, इसको ये करना चाहते हैं, मान लीजिए आप जो पार्ट नहीं रखना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पर इसके अंदर मूव ऑप्शन, ऑप्शन के अंदर जाएंगे तो कई सारे ऑप्शन हैं। अब इसके अंदर मान लीजिए ए के ऊपर जा करके एस और फिर वापस जाएंगे बी, तो ये ब्रश वाला पार्ट आ गया। अब यहाँ से ब्रश, ये इरेजर सेलेक्ट कर लिया, ये ब्रश सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए इरेजर सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर इस तरह से वापस इरेज कर सकते हैं, ब्रश करेंगे तो ये निकल आएगा पार्ट जो आपको रखना है वो पार्ट है, और कट वाला पार्ट करेंगे तो ये इस तरह से आपको सेलेक्ट करके काटना पड़ेगा, भाई इतना काटना है मुझे, ठीक है, तो ये ब्रश वाला इतना ले लिया, और यहाँ पर ब्रश की साइज़ कितना होना चाहिए, लासो की और इरेजर की क्या क्या होनी चाहिए साइज़ वगैरह, और साथ ही अगर आप कटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए आपका हाथ कहाँ पर हो और कटिंग कैसे करेंगे, जैसे ये स्टार्टिंग वाला आपने सेलेक्ट कर लिया तो आपका जैसे जैसे हाथ चलेगा उस हिसाब से, मान लीजिए यहाँ से आपको कुछ करना है इस साइड में, तो ये मतलब दिखाई नहीं देता, नॉर्मली होता क्या है कि अंगुली आपकी अंगुली के एकदम नीचे अगर ये पॉइंट आ जाता है तो दिखाई नहीं देता, इसलिए हैंडल बना रखा है, तो ये हैंडल आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से, तो कई सारे इसके अंदर ऑप्शन दे रखे हैं। सेंटर वाला रखना है हैंडल तो सेंटर में रख सकते हैं, तो ये सब काम आप कर सकते हैं। और उसके बाद में और इम्पोर्टेंट बात बताऊँ आपको, ये इस तरह से मान लीजिए आप यहाँ पर लेकर के आ गए कई सारी फ़ोटो, अब इसके अंदर लेयर बन गए, ये लेयर बन गया, ये फ़ोटो वाला लेयर बन गया, लेयर के लिए लास्ट में यहाँ पर एक ऑप्शन है, ये लेयर्स हो गए, और इन लेयर्स को आप ऊपर नीचे ले सकते हैं, लेयर्स को आप हाइड शो भी कर सकते हैं, ये हाइड कर दिया, ये शो कर दिया, जो आँख वाला आइकन है, लॉक भी कर सकते हैं, लॉक करने के बाद में उसको हिलाया ना सकते आप, और लास्ट वाला भी लॉक है, लास्ट वाला जो वाइट बैकग्राउंड के साथ में लेयर है, तो ये लेयर बन गए ऊपर नीचे, इस तरह से आप ले सकते हैं। बात करते हैं कि अब इन लेयर्स को आप फोटोशॉप की तरह सेव कैसे करके रखेंगे, ठीक है, सेव कैसे करेंगे, तीन लाइन जो यहाँ पर नज़र आ रही है, सेव ऑल लेयर्स, लोड लेयर्स, कैनवास साइज, तो जैसे ही आप सेव ऑल लेयर्स करेंगे तो आप इनको सेव कर सकते हैं, सेलेक्ट कर देंगे कौन सी जगह पर करना है, और यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ, TEMP टेम्परेरी नाम लिख दिया और सेव कर दिया। फ्यूचर में मान लीजिए अब मैं दूसरे मेरे पहले के सेव किए हुए लेयर में अगर यहाँ पर लेके आता हूँ तो लोड लेयर्स के ऊपर क्लिक करेंगे, ओपन फ्रॉम स्टोरेज, और यहाँ पर मेरे लेयर सेव किए हुए हैं, तो ऊँट से क्या क्या बनता है, ये वाला है एक, ये तीन लेयर्स है इसमें, तो एक में ये फ़ोटो है सिंपल सा ये, और नीचे उसके बाद में ये टेक्स्ट हो गया, तो पुराने आप इस तरह से लेकर के आ सकते हैं, फ़ोटो के साथ में उसके अंदर सेव हो जाएगा और ये इसी के अंदर ओपन होगा। अब इसके नीचे आप कहेंगे क्या है, तो इसके नीचे अभी जो हम वर्क कर रहे थे वही है, ठीक है, तो मान लीजिए आपने अभी क्या किया, बैक जाते हैं हम, डिस्कार्ड चेंजेस कर देते हैं,
तो इस जगह पर आ गए और अब आप वापस टेक्स्ट इमेज, अब ध्यान रखें ये चीज़ आएगी कहाँ पर, नीचे सीधा ही फोटो के अंदर कलर लेवल इफेक्ट ये करेक्शन करने के ऑप्शन है सीधे ही आप फोटो के अंदर अगर आप ये करेक्शन करना चाहते हैं। और यहाँ पर एक ऑप्शन है टेक्स्ट इमेज, इसके ऊपर जैसे जाएंगे फिर यहाँ पर लेयर्स के ऊपर जा करके हम लोड कर सकते हैं और वर्क कर सकते हैं पहले की तरह। तो टेम्परेरी जो मैंने किया था उसको सिलेक्ट करूँगा, ओके ये सारा का सारा हमने जैसे किया था वो लेयर्स यहाँ पर आ गए हैं और इसके ऊपर आप वर्क कर सकते हैं। अब इनको लेयर सेव कर दिए, अब इनको एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, एक्सपोर्ट करने के लिए अच्छा यहाँ पर देखने के लिए आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, ये हाथ से भी कर सकते हैं, दोनों उंगलियों से इस तरह से करेंगे तो भी ये काम करेगा। अब यहाँ पर राइट का जो चीन है यहाँ पर इसके ऊपर कर देंगे तो ये मर्ज हो जाएगा पूरा का पूरा, फिट हो गया बस। अब ये इसको आप कंट्रोल जेड नहीं कर सकते इसको, इसलिए मैं क्या करता हूँ लेयर्स जो है वो पहले ही सेव करके रखता हूँ, यानी कि टेक्स्ट इमेज में यहाँ पर जो लेयर अब चेंजेस करना है मान लीजिए यहाँ पर कुछ वापस है, तो पहले मैं क्या करूँगा इसको लोड करूँगा ओपन स्टोरेज करके और ये डाउनलोड्स के अंदर मैं कर रहा हूँ टेम्परेरी। और ये अब चेंजेस करना है मान लीजिए तो मैं यहाँ पर इस तरह से चेंजेस करता हूँ, ये काम करने के बाद में आप चेंज नहीं कर सकते। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप जस्ट सिंपल जैसे लेवल एडजस्टमेंट हो गया, फ़ोटो ला करके यहाँ पर करने का काम ये इस साइड में कर दिया है, गामा करेक्शन हो गया, ये छोटे मोटे काम जो है ये काम आप कर सकते हैं, तो करेक्शन वाले छोटे या मोटे नहीं है तो ये हो गया इस तरह से। फिर वापस यहाँ पर कर दें तो वो भी यहाँ पर मर्ज हो गया। अच्छा यहाँ पर भी आप बैक जा सकते हैं एक स्टेप दो स्टेप बैक इस तरह से, और यहाँ पर कई सारे इफेक्ट्स भी दिए हुए हैं, ये इफेक्ट्स भी ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट को एडजस्टमेंट करने के बाद में आप दे सकते हैं, फ्रेम दे सकते हैं, क्लोन पिक्सल रोटेशन और क्रॉप कर सकते हैं इसको, मान लीजिए इधर से इस तरह से फोटो को क्रॉप करना है तो ये कई सारे इसके अंदर ऑप्शन दे रखे हैं। तो अब करने के बाद में अब ऊपर की साइड में एक ऑप्शन है गैलरी के अंदर सेव करना है तो डायरेक्ट इसके ऊपर क्लिक करें, ये गैलरी के अंदर फोटो जो सेव हो गई, और एसडी कार्ड के अंदर करना है तो एसडी कार्ड के अंदर कर सकते हैं, और शेयर करना है वगैरह वगैरह खूब सारे ऑप्शन हैं आप यूज़ में ले सकते हैं, पीएनजी जीजीए वगैरह वगैरह यहाँ पर। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से बहुत ही गजब तरीके से मोबाइल के अंदर ही आप फोटो एडिट कर सकते हैं, फोटो एडिट से थंबनेल बना सकते हैं या कोई फेसबुक वगैरह के लिए कवर बना सकते हैं, प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं वगैरह वगैरह कई सारे इसके अंदर, और भी कई सारे ऑप्शन हैं अगर आप जानना चाहते हैं कैसे यूज़ में लें तो कमेंट करके बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। और साथ ही आप मेरा दूसरा चैनल शुभ जर्नी है उस चैनल के ऊपर आएँ मुझसे मिलें और सब्सक्राइब कर लें इस संजय कुमार स्वामी को भी और शुभ जर्नी को भी, इसके ऊपर मैं ज़रूर आपके साथ लिए कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगा और अच्छी अच्छी जो जानकारी आपको दे सकता हूं वो देता रहूंगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उनका अपडेट आपको तुरंत मिलता रहेगा। साथ ही आप क्या करें लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में और कमेंट करके बताएं वीडियोस कैसे लग रहे हैं। मिलते हैं एक बार फिर से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक यू। दिखाऊं आपको अरावली की पहाड़ियाँ, दिखाऊं एक सेकंड, देखिए मेरे पीछे की साइड में देखिए ये एक होटल है और मैं जो रुका हूँ ये जगह मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है और ये चारों ओर जो आप देख रहे हैं पहाड़ है, बस सोना जंगल है, जंगल के अंदर भालू चीते वगैरह भी है और मैं यहाँ पर बैठा था इस आम के पेड़ के नीचे, छोटे छोटे पेड़ के आम लगे हुए हैं, दिखाऊंगा मैं शुभ जर्नी के ऊपर, आप आएँ और देखें आम कैसे लगे हुए हैं।